दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर में इस तरह से एक म्यूजिक किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे नेम के जस्ट नीचे यहाँ पे मैंने एक म्यूजिक ऐड किया हुआ है। इसको आपका कोई व्यूअर अगर आपकी प्रोफाइल पर आता है तो उसको इस तरह से प्ले करके भी सुन सकता है और ये देखने में काफी अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल पर किस तरह से कोई एक अपनी पसंद का म्यूजिक किस तरह से ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है तो आप सीधे आ जाएंगे अपने प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की, आप सब देख सकते हैं। पोस्ट के जस्ट नीचे आपको फोटो, लाइफ इवेंट, म्यूजिक ऑप्शन नजर आते हैं। सिंपली आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टैप करना होगा। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो प्लस का आइकन नजर आता है इस पर आप टैप करेंगे। इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको ब्राउज ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको यहाँ पे चार तरह की कैटेगरी मिल जाती है। तो जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप म्यूजिक अपनी प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हैं आपको सिंपली उस कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं इस कैटेगरी को यहाँ से R&B वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहाँ पे काफी सारे म्यूजिक देखने को मिल जाएंगे। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसको आप वन बाई वन यहाँ से प्ले करके सुनकर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है, जिसे आप अपनी प्रोफाइल में पिन करना चाहते हैं, सिंपली आपको उसे यहाँ से एक बार टैप कर देना है। बस आपका दोस्तों यहाँ पे काम हो चुका है। लेकिन अभी आपकी प्रोफाइल में म्यूजिक ऐड नहीं हुआ है, इसके लिए आपको करना होगा कि फिर से आपको बैक चलना होगा। चलिए मैं फिर से बैक ले लेता हूँ। बैक लेने के बाद आपको बिल्कुल अपनी प्रोफाइल पर वापस आ जाना है। वापस आने के बाद फिर से आपको उसी म्यूजिक वाले ऑप्शन पर जाना होगा। चलिए मैं फिर से म्यूजिक वाले ऑप्शन को टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपको ये म्यूजिक देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना होगा कि इस म्यूजिक के जस्ट सामने आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आप टैप करेंगे। और इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पिन टू प्रोफाइल और डिलीट सॉन्ग फ्रॉम प्रोफाइल। तो यहाँ पर हमें पिन टू प्रोफाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। बस दोस्तों आपका काम यहाँ पर हो चुका है। अब हमारी प्रोफाइल के जस्ट नीचे ये म्यूजिक ऐड हो चुका है। जैसे कि चलिए मैं आपको बैक लेकर दिखा देता हूँ। चलिए मैं ऊपर की साइड चल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल नेम के जस्ट नीचे यहाँ पर मोशन के नाम से जो मैंने म्यूजिक सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब अगर कोई भी विजिटर मेरी इस प्रोफाइल पे आता है, मेरा कोई फ्रेंड वगैरह आपकी इस प्रोफाइल को एक्सेस करता है, तो वो इस म्यूजिक को यहाँ से प्ले करके सुन भी सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको प्ले किया यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल में अपनी पसंद का एक म्यूजिक यहाँ पर एड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।